सो क्वार्टर शीट पर हम ग्रेफाइट स्टिक के साथ लेयर्स बनाने शुरू करेंगे, हल्की फिर डार्क और उसके बाद डार्क और ज़्यादा डार्क। सो इस तरह डार्केस्ट टोन हम बिना लाइन ड्रॉ किए सिर्फ सॉफ्ट प्रेशर के साथ फर्स्ट सेकंड और नेक्स्ट लेयर्स हम बनाएंगे। अगर हम हार्ड प्लीज इसको हम प्रेशराइज करेंगे तो इस पर एक चमक आ जाएगी, सो दैट विल बी नॉट लुकिंग नाइस। सो इसलिए सॉफ्ट टच के साथ हम एक परत के ऊपर दूसरी परत बनाते जाएंगे। और उसके बाद हम लेंगे एक ऑर्डिनरी अरेज़र, और अरेज़र के साथ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ड्राइंग और ड्राइंग विद अरेज़र। सो इससे हम क्या करेंगे, पहले ही ड्राइंग हो पड़ी है तो हमने क्या करना है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ड्राइंग को रेज करना है। तो रेजर के साथ हम ड्राइंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पॉट बनाया है, एज आई एम गोइंग टू ड्रा अ फ्लावर पॉट विद अरेजर। सो हियर वी गो। तो थोड़ी ड्राइंग के बाद रेजर के साथ मैंने देखा कि यहाँ डार्केस्ट टोन की कमी है, तो आई विल मेक श्योर कि यहाँ पर मीडियम टोन के साथ डार्क और डार्केस्ट टोन दोनों इसमें ऐड करूँ। तो पहले मैं जो फ्लावर हैं उनको मैं रेजर के साथ ड्रॉ करूँगा, और उसके बाद फिर से मैंने पहले भी जो यूज़ की है ये स्टिक ग्रेफाइट स्टिक, ये 4B की थी। सो अगेन आई एम यूजिंग दिस फॉर मीडियम टोन, मीडियम डार्क टोन। सो यहाँ फिर से मैं इसी 4B जो स्टिक है उसके पीस से ये मीडियम डार्क जो टोन बना रहा हूँ। एक बार इसके बनने के बाद डार्क टोन और उसके बाद डार्केस्ट टोन जो है दैट आई विल क्रिएट विद इट। और साथ ही आई विल मेक श्योर कि जो एजेस हैं वो ना ही बहुत शार्प हो और ना ही बहुत ज़्यादा ब्लंट हो। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पर मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षितिज रेखा उसका सजेशन दे रहा हूँ। सो उसको मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क सोचा है फोरग्राउंड के बदले। सो यहाँ पर मैं उसका सजेशन सारे के सारे ऑब्जेक्ट के पीछे जो दूंगा। एक बार मिडिल टोन और डार्क टोन के बाद मैं 10B जो स्टिक है ग्रेफाइट स्टिक उसके साथ में इसको डार्केस्ट टोन और साथ में जहाँ भी जरूरत हो पड़ेगी वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा।
बैकग्राउंड को डार्क करने से देखिए जो फोरग्राउंड पे और मिडल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा उभर के आया है। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि फोरग्राउंड को थोड़ा सा लाइट कर दूँ। इसके साथ क्या होगा कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है जो वो ज़्यादा दिखाई देगी। वैसे भी ये काफ़ी निकल कर आ गई है अब हमारा फ्लावर पॉट। सो जब मैं फोरग्राउंड को हल्का सा लाइट कर दूँगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।